दो उसको। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ गद्यांश में लेसन नंबर 1। मैंने आपको पढ़ा दिया है मित्रता पढ़ाया है ना, मित्रता, रामचंद्र शुक्ल जी की मित्रता। अब नेक्स्ट लेसन है आपका ममता। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है, तो पहले हम आपको पढ़ाते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ाते हैं। तो बाबू जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक धनी वैश्य घराने में इनका जन्म हुआ था। 1889 ईस्वी में काशी के एक धनी वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी देवी प्रसाद जी थे। ये तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। वे बालकाल में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने से ये अधिक स्कूली शिक्षा प्राप्त ना कर सके। इन्हें अध्ययन में विशेष रुचि थी, अतः ये घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी पढ़ने लगे। अपने परिश्रम से इन्होंने अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। वे अपने व्यापार की देखभाल के साथ साथ हिंदी की सेवा भी करते रहे। वे स्वभाव से ही बड़े सरल, मिलनसार और भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक थे। इनकी मृत्यु 25 नवंबर 1937 ईस्वी में 37 में 48 वर्ष की आयु में हो गई। तो आप पहले इनका फिर से एक बार जीवन परिचय देखिएगा, मतलब बाबू जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो थे देवी प्रसाद जी, उनके वे तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने से ये स्कूली शिक्षा प्राप्त ना कर सके। इन्होंने स्वाध्याय मतलब अपने आप से ही हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और मतलब उर्दू, फारसी इन्होंने घर अच्छा मतलब उन्होंने आप स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, अरबी, फारसी सब विद्याएँ वे पढ़ने लगे। इनको अध्ययन में इनकी विशेष रुचि थी तो इसलिए अपने परिश्रम से ही इन्होंने सारी योग्यताएँ प्राप्त कर ली। वे अपने अध्ययन के साथ साथ ही व्यापार को भी मतलब व्यापार की देखभाल भी करते थे और ये हिंदी संस्कृति के ये महान उपासक भी थे। इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। 48 मीन्स मतलब 48 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनका साहित्यिक योगदान क्या होता है, मतलब साहित्य में इन्होंने क्या योगदान दिया। तो प्रसाद जी ने जो अपनी प्रतिभा के बल पर इन्होंने भावपक्ष और कलापक्ष दोनों में क्रांति उत्पन्न कर दी। उन्होंने गद्य और पद दोनों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था। मतलब इनको गद्य में भी इनके लेख मिलते हैं और इनके पद में भी इनके लेख मिलते हैं, ठीक है ना। ये गद्यकार भी हैं और कवि भी, गद्य लेखक भी हैं और ये कवि भी हैं। तो इन्होंने अपनी भावनाओं को अपने व्यक्त किया और साहित्य सेवा के को प्रमुख दो रूपों में बांटा जाता है। नंबर एक गद्यकार के रूप में, मतलब गद्य के रूप में, और दूसरा होता है पद्य के रूप में। तो गद्यकार के रूप में प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि लिखे हैं। मतलब नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध लिखे हैं। और निबंधकार के रूप में प्रसाद जी ने हिंदी की महान सेवा की। कवि के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य की अनुपम सेवा की। साहित्य के ये छायावादी काव्य और रहस्यवादी कवियों में एक ऊंचा स्थान रखते हैं। मतलब ये रहस्यवादी कवि भी कहे जाते हैं और ये छायावादी कवि भी कहे जाते हैं और इसके पश्चात में इनकी आती हैं रचनाएं, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो है रचना इनकी मतलब जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रतिभा है रचना करने की, प्रतिभा बहुमुखी है। इन्होंने अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री,
और जन्मेजय का नाम या चंद्रगुप्त, एक घूंट आदि इन्होंने बहुत से नाटक लिखे। आंसू जो है इन्होंने मतलब चंद्रगुप्त, एक घूंट और इन्होंने बहुत से नाटक लिखे। और तितली और कंकाल, तितली और कंकाल इनके उपन्यास हैं। आंसू भी इनके व्यंजक छंदों का संग्रह है। कामायनी इनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। कहते हैं कामायनी जो है, कामायनी छायावादी युग का, कामायनी छायावादी युग का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। पूछा जाता है प्रसाद जी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है, तो लिख देते हैं कामायनी। और यदि पूछा जाए छायावादी युग का प्रसिद्ध काव्य कौन सा होता है, तो छायावादी युग का प्रसिद्ध महाप्रसिद्ध और महान महाकाव्य कामायनी। इन्हें महाकाव्य पर, कौन से महाकाव्य पर, मतलब कामायनी पर, कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। और इसके पश्चात में इनका हम लिख देते हैं साहित्य में इनका स्थान। तो साहित्य में प्रसाद जी ने अपनी प्रतिभा के बल पर हिंदी साहित्य जगत को दिव्य प्रकाश से आलोकित किया। और इन्होंने अपनी कल्पना, अपनी रचनाओं में कल्पना की ऊंची उड़ान भरी और राष्ट्रप्रेम की अभिव्यक्ति दी। और प्रसाद जी, इस प्रकार से प्रसाद जी अपने युग के, इस प्रकार से प्रसाद जी अपने युग के संपूर्ण कथाकारों में से श्रेष्ठ हैं। और सच्चे अर्थों में वाग देवी के प्रसाद हैं। ठीक है, वाग देवी के प्रसाद हैं। तो साहित्य में जो स्थान है, साहित्य में जो स्थान, देखिए आप उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब आपने ऊपर पढ़ लिया सारा, तो ये भी लिख सकते हैं साहित्य में स्थान लिख सकते हैं कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद जी ने अपनी प्रतिभा से साहित्य के सभी अंगों का अवलोकन किया। साहित्य के सभी अंग कौन से होते हैं, काव्य साहित्य और गद्य साहित्य, दोनों साहित्यों का इन्होंने अवलोकन किया। और इन्होंने कल्पना की ऊंची उड़ान भरी, प्रेम को अभिव्यक्ति दी। और प्रसाद जी जो हैं संपूर्ण कथाकारों में श्रेष्ठ हैं। और सच्चे अर्थों में वे वाग्देवी के प्रसाद हैं, और वे सच्चे अर्थों में वाग्देवी के प्रसाद हैं। तो इस प्रकार से ये जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखा जाएगा। पहले इनका जीवन परिचय, फिर इनका साहित्यिक योगदान, मतलब साहित्यिक इनका क्या योगदान रहा, उसके बाद में इनकी रचनाएं और इनकी भाषा शैली और साहित्य में इनका स्थान। ठीक है, भाषा शैली और साहित्य में, मतलब भाषा में तो आप लिख देंगे कि प्रसाद जी जो थे ब्रज भाषा में कविता करते थे, तो आप लिखेंगे इनकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और शैली इनकी विवरणात्मक शैली, भावात्मक शैली और गवेषणात्मक शैली और चित्रात्मक शैली, ये चारों शैलियाँ जो हैं लाइन से पॉइंट डाल के लिख दी जाएंगी। क्या, विवरणात्मक, भावात्मक, गवेषणात्मक और चित्रात्मक शैली। और उसके बाद भी लिखा जाएगा इनका हिंदी साहित्य में इनका स्थान। देखिए सबसे पहले आएगा जीवन परिचय, फिर उसके बाद में साहित्यिक योगदान, फिर उसके बाद में इनकी आएंगी रचनाएँ, रचनाओं के बाद में भाषा, फिर शैली और साहित्य में इनका स्थान। ठीक है, साहित्य में इनका स्थान। अब जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर लिखा है ममता लेसन। तो ममता जो है जयशंकर प्रसाद जी का, देखिए लिखा है रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोर के तीसरे गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोर के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शहर में निकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुर्गता थी, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहां अंत था। तो देखिएगा इसमें पीछे जो लेसन कंप्लीट होने के बाद में जो लिखा है,
तो देखिए सबसे पहले पेज नंबर 32 पे आएगा नंबर वन, ठीक है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युविता, ठीक है, परंतु वह उसकी विडंबना का कहां अंत था। तो लिखा हुआ है उपर्युक्त गद्यांश का आप संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ इसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, हम उसको आपके उसके जो ये पढ़ाएंगे ना आप उसके पीछे पीछे जो क्वेश्चंस लिखे हैं हम उसको साथ ही साथ कराते जा रहे हैं, ठीक। तो इसमें लिखा है गद्यांश का संदर्भ, तो लिखेंगे गद्यांश, उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के, पाठ्यपुस्तक हिंदी के जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित ममता नामक शीर्षक से लिया गया है, ठीक है, ममता नामक शीर्षक से लिया गया है। तो इसके ममता नामक शीर्षक से लिया गया है और इसमें बस इतना आपको संदर्भ और उसमें साथ में लिख दीजिएगा कि कहानीकार जो है प्रसाद जी ने ममता के विधवा होने के कष्टों का वर्णन जो है इन पंक्तियों में किया है। मतलब ममता विधवा थी तो ममता के विधवा होने के जो कष्ट होते हैं, ममता के विधवा होने के कष्टों का वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने ममता इसमें मतलब इस शीर्षक में किया है। तो ये गद्यांश मतलब गद्यांश क्या लिखूं, प्रसंग संदर्भ और प्रसंग मैंने एक साथ ही बता दिया। तो संदर्भ प्रसंग में सबसे पहले संदर्भ क्या होता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित ममता नामक शीर्षक से लिया गया है। और उसके बाद में आएगा प्रसंग, तो लिखेंगे कहानीकार प्रसाद जी ने ममता के विधवा होने के जो कष्ट, ममता के विधवा के जो कष्ट होते हैं कष्टों का जो वर्णन है इन पंक्तियों में उन्होंने किया है, ममता के कष्टों का वर्णन उन्होंने इन पंक्तियों में किया है। तो अब इसके बाद में देखिएगा इस लिखा है कि ममता विधवा थी। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से देख लीजिए, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी, लिखा है रेखांकित नंबर आ क्वेश्चन गद्यांश का संदर्भ हो गया। सेकंड में लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लिखा है रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी कंटक शयन में विकल थी, कंटक शयन में विकल थी। तो देखिए ये मतलब मंत्री जो थे चूड़ामणि की पुत्री ममता, मंत्री चूड़ामणि, ठीक है, चूड़ा दुर्गा रोहतास दुर्गापति के मंत्री चूड़ामणि की वो अकेली दुहिता थी। तो अकेली दुहिता थी तो यहाँ लिखेंगे व्याख्या में मंत्री चूड़ामणि की पुत्री युवती ममता रोहतास के दुर्ग के एक कमरे में बैठी हुई, एक कमरे में बैठी हुई सोन नदी के तेज और गंभीर प्रवाह को देख रही थी। सोन नदी के, ठीक है, शोर नदी के प्रकोष्ठ में बैठी हुई होता है, शोर के, शोर मीन्स क्या होता है, सोन नदी के, सोन नदी के, सोन नदी के ममता जो थी दुर्ग कमरे में बैठी हुई शोर नदी के तेज और गहरे प्रवाह को देख रही थी। जिस प्रकार से सोन नदी उमड़ रही थी, जिस प्रकार से सोन नदी उमड़ रही थी उसी प्रकार से ममता का यौवन भी पूरे उफान पर था। ममता विधवा थी, उसका मन कैसा था, दुखी था। लिखा है शोर के तीच प्रभाव को देख रही है, सोन नदी के गंभीर और तेज प्रभाव को वो देख रही थी, ममता विधवा थी। तो मतलब जिस प्रकार से सोन नदी का प्रवाह उफान पर था, तेजी से प्रवाह हो रहा था, उसी प्रकार से उसके मन के अंदर जो था, उसके मन के ममता का जो भावनाएं जी थी सोन नदी के समान ही उमड़ रही थी। ममता विधवा थी, ममता विधवा थी और उसका मन कैसा था, उसका मन जो था बहुत ही दुखी था। वह यौवन शोर के समान ही उमड़ रहा था, मन में वेदना लिए हुए, मन से बहुत दुखी थी। उसके मस्तिष्क में आंधी, उसके मस्तिष्क में आंधी मतलब उसके मस्तिष्क में विचार और भावनाएं, उसके मस्तक में विचार और जो भावनाएं थी आंधी की तरह उमड़ रही थी, आंधी की तरह उमड़ रही थी, ठीक है। और बरसात में आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शहर में विकल थी। तो आ लिखेंगे कि बरसात में आकाश से गिरते हुए पानी की बूंदे, बरसात में आकाश से गिरते हुए पानी की बूंदों की तरह उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको सभी भौतिक सुख प्राप्त थे, लेकिन सुख के कंटक शहर में विकल थी, उसको सभी भौतिक सुख जो होते हैं सब प्राप्त थे, अकेले
विधवापन के कार्टून की सीट पर वह सो रही थी। तो देखिए यहीं तक लिखा है, रोहतास दुर्ग के और सुख के कंटक शहर में विकल थी। आप फिर से एक बार देखिए, व्याख्या जो है बिल्कुल सही लिखी लिखनी पड़ेगी। रोहतास दुर्ग के चूड़ामणि की पुत्री युविता, पुत्री ममता रोहतास दुर्ग के एक कमरे में बैठी हुई सोन नदी के, शोर लिखा है, शोर में सोता है सोन, सोन नदी के तीज तेज और गंभीर प्रवाह को देख रही थी। जिस प्रकार से सोन नदी उमड़ रही थी, मतलब जिस प्रकार से सोन नदी का प्रवाह मतलब तेजी से चल रहा था, प्रवाह था, उसी प्रकार से ममता का जो यौवन भी था पूरे उफान पर था। ममता विधवा थी, लिखा है ममता विधवा थी, और उसका मन जो था वो दुखी था, मन में वेदना थी, दुखी था, और मस्तिष्क में उसके विचार जो थे, उसके अंदर जो विचार उठ रहे थे और उसके अंदर जो भावनाएं उठ रही थी, वे आंधी की तरह उमड़ रही थी और आंखों में पानी की बरसात लिए। इस प्रकार से बरसात में आकाश से गिरने वाली, नहीं बरसात में आकाश से गिरने वाली पानी की बूंदों की तरह उसकी आंखों से आंसू जो थे बह रहे थे। उसको सभी भौतिक सुख प्राप्त थे, लेकिन वह विधवापन के कांटों की सीध पर सो रही थी। तो ये जो व्याख्या है, इसका पहले हो गया संदर्भ लिखिए और उसका प्रसंग हो गया, दूसरे में आ गया आता है उसकी, आप उसकी व्याख्या लिखेंगे, और थर्ड क्वेश्चन आता है कि ममता के पिता कौन थे। कि ममता के पिता चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के स्वामी के मंत्री थे। क्या ममता के पिता चूड़ामणि थे, इसमें लिखा है ममता के पिता कौन थे। तो ममता के पिता चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के स्वामी के मंत्री थे। ठीक, संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी कौन होता है, विधवा जो होती है संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी होती है। निराश्रय जो, उसका मतलब कोई भी सहारा नहीं होता है, विधवा होती है। ठीक, अब देखिएगा, जो फर्स्ट वाला जो हो गया आपका कद्यांश, चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। किसके प्रकोष्ठ में, ममता के प्रकोष्ठ में, मतलब उसके कमरे में उन्होंने प्रवेश किया। शोर के प्रवाह में, मतलब सोन नदी का जो प्रवाह चल रहा था, धारा जो बह रही थी, उसके कलनाद में, जो सोन नदी की धारा बही थी उसमें जो कल कल की आवाज़, पानी की आवाज़ आती है कल 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 की आवाज़ आती है उसके चलने से, तो कलनाद में, नाद मीन्स होता है आवाज, अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। मतलब अपने जीवन के साथ में सोन नदी के प्रवाह को वो दोनों में समानता प्रकट कर रही थी। वह प्रकट करने में वह बेसुध थी, मतलब उसको अपना कोई, मतलब बेसुध थी, मतलब उसको अपने कोई होश नहीं था। पिता का आना ना जान सकी, वह समझने नहीं, मतलब पिता का आना जान नहीं सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, मतलब व्यथित होना मन से होता है दुखी हो गए। चूड़ामणि अपनी पुत्री को इस प्रकार की अवस्था में देख करके चूड़ामणि दुखित हो जाते हैं। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, स्नेह पालिता जिनको स्नेह से प्यार से उन्होंने उसका पालन पोषण किया था, अब वो सोचते हैं कि अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो विधवा थी, तो वो कहते हैं मैं इसके लिए क्या करें हम। वह स्थिर ना कर सकते थे, लौट कर बाहर चले गए। मतलब उन्होंने जब अपनी अपनी बेटी की इस दुखी अवस्था को देखा, तो वे वहाँ पर खड़े न रह सके और वो वहाँ से बाहर चले आते हैं। ऐसा प्रायः होता पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे ना पड़ गए थे। मतलब लेकिन आज उनके मन में बहुत दुखी थे, और आज उनके और उनके पैर जो थे वहाँ पर रुक नहीं रहे थे। तो एक पहर बीत जाने पर फिर ममता के पास आए। एक पहर जब बीत गया
तो वे फिर ममता के पास मंत्री वो जो उनके पिता जो हैं चूड़ामणी आते हैं। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे, मतलब 10 सेवक बड़े बड़े चांदी के थाल लेकर के उनके सामने आकर के उपस्थित हो गए। पिता का चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे, कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुनकर के ममता ने घूम करके देखा। जब वो लोग आ करके खड़े हो गए तो उनके पैरों की जो आवाज़ जो थी, पद माने होता है पैर, उनके पैरों की आवाज़ सुनकर के ममता ने उस तरफ घूम करके उनकी ओर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का आदेश दे दिया। मंत्री ने मतलब कौन मंत्री? चूड़ामणि। तो सब थालों को रखने का उन्होंने संकेत के इशारा किया कि यहाँ पर रख दो। अनुचर थाल रखकर चले गए और जो उनके सेवक थे, अनुचर मतलब उनके जो सेवक थे, उन्होंने वहाँ पर थाल रख दिए और वो वहाँ से चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? वही पूछती है, पिताजी ये क्या है? तो तेरे लिए बेटी उपहार है। वो कहते हैं, बेटी ये तेरे लिए मैं उपहार लाया हूँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं। गिफ्ट कहते हैं किसको देने के लिए, तो उसको हिंदी में कहते हैं उपहार। ये तेरे लिए उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। मतलब जो थाल आए थे, थाल किसी कपड़े से मतलब ढके हुए थे, ढके हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, उसका आवरण उलट दिया। आवरण मीन्स क्या होता है, जो उसके ऊपर पर्दा मतलब ढका चीज होती है उसको उठा करके उन्होंने उसको पलट देते हैं। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। तो सारे थालों में क्या था, सोना ही सोना भरा हुआ था। तो वो जो सोने का जो पीलापन है चारों तरफ फैल गया। तो ममता जो उसको देखती है और वो चौंक जाती है। वो कहती है, इतना स्वर्ण, इतना सारा सोना, ये कहाँ से आया, कहाँ से आया है पिताजी, आप बताइए। वो कहते हैं, चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच मतलब क्या उनकी अधीनता आपने स्वीकार कर ली, क्या आपने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली? तो क्या आपने उनकी अधीनता जो थी वो स्वीकार कर ली है? तो कहते हैं, पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं है, लौटा दीजिए। वो कहती है, पिताजी ये अनर्थ हो जाएगा, आप इनको लौटा दीजिएगा। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम लोग करेंगे क्या? वो कहती है, इतना ये सब अनर्थ हो जाएगा, आप इनको लौटा दीजिएगा, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग इतना सोना लेकर के क्या करेंगे? पिताजी को समझा रही है। तो इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। पिताजी उसके कहते हैं, चूड़ामणि इस पतनोन्मुख मतलब पतन की ओर जाते हुए इस प्राचीन सामंत वंश का अब अंत ही होने वाला है, ये समाप्त होने वाला है। तो बेटी किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है, शेरशाह जो है रोहतास पर अधिकार कर लेगा। तो उस दिन मंत्री तो ना रहेगा, उस दिन मैं मंत्री रहूँगा, उस दिन तो मैं मंत्री रहूँगा नहीं। तो तब के लिए बेटी, जब उस वो समय आएगा जब मतलब शेरशाह जो है रोहतास पर अधिकार कर लेगा, तो ना मेरा मंत्री पद रहेगा, ये तब के लिए। लेकिन वो क्या कहती है, अब जो ममता जो है उनकी बेटी क्या कहती है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा ना रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके, ये असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इतनी इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो देखिएगा, ये इसमें ये जो फर्स्ट वाला लिखा था, मैंने आपको बताया है यहाँ पर गद्यांश, ये फर्स्ट वाला लिखा हुआ था, इसके क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब नीचे सेकंड नंबर में यही लिखा हुआ है, हे भगवान विपद के लिए इतना आयोजन। तो इसमें भी लिखा है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ जो है आपने एक बार लिख लिया है, आप इसको अब दोबारा नहीं लिखा जाएगा, ठीक। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है, क्या हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, आपको इसका मतलब इसके आपको लिखना है, अर्थ लिखना है इसका, मतलब इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, उसकी पुत्री जो है ममता कहती है, हे भगवान
विपत्ति के जिसके सिक्के समय के लिए जब हमारे हम लोगों के ऊपर विपत्ति आएगी तो उसके लिए इतना आयोजन करने की क्या जरूरत है। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मतलब जो ईश्वर चाहता है उसके विरोध में जाकर के हम तो आप इतना साहस कर सकते हैं। पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या पृथ्वी पर कोई हिंदू बच्चा ना रह जाएगा। जो गरीब भूखे ब्राह्मण को भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न दे सके, वो कहती है ये असंभव है। मतलब लिखा है ना, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बच्चा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके। तो क्या पृथ्वी पर कोई ये बच्चा न रह जाएगा जो कि गरीब ब्राह्मण को भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न दे सके, ये असंभव है पिताजी। तो इसका अर्थ जो है, इसकी जो व्याख्या है, इस तरीके से लिख ली जाएगी। अब इसके बाद में लिखा है, चूड़ामणि अपनी विधवा पे बेटी ममता के सुरक्षित भविष्य के लिए शेरशाह से घूस के रूप में विपुल स्वर्ण राशि लेकर के आता है। तो ममता ने उसके साथ कैसा व्यवहार कर दिया, मतलब इतनी जो स्वर्ण राशि थालों में सजा करके वो लेके आता है, तो ममता ने अपने पिताजी के साथ कैसा व्यवहार किया। तो चूड़ामणि जो है अपनी विधवा बेटी ममता के सुरक्षित भविष्य के लिए शेरशाह से घूस के रूप में जो विपुल स्वर्ण राशि लेकर के आता है, तो ममता जो है उसकी पुत्री जो है अपने पिताजी को धिक्कार दी है। मतलब ममता जो है उन्हें धिक्कार देती है कि आप इसको वापिस कर दीजिए। ममता क्यों कांप रही थी, ममता क्यों कांप रही थी, मतलब स्वर्ण की जो चमक दमक है, स्वर्ण की जो चमक दमक है उसकी आंखों को अंधा बना रही थी, इसलिए ममता कांप रही थी। मतलब जो स्वर्ण की जो चमक दमक है वो आंखों को अंधा बना रही थी, इसीलिए ममता कांप रही थी, ठीक, इसीलिए ममता जो थी कांप रही थी। सारे क्वेश्चंस हो गए चारों के चारों। पहले गद्यांश का संदर्भ आपको दोबारा नहीं लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और थर्ड क्वेश्चन में ममता ने कैसा व्यवहार किया, ऊपर वाली लाइन को आप वैसे ही लिखेंगे, लेकर आता है तो ममता ने कैसा व्यवहार किया। तो ममता अपने पिता जो है चूड़ामणि को धिक्कार देती है, ठीक। ममता क्यों कांप रही थी, ममता इसलिए कांप रही थी, ममता की जो स्वर्ण की जो चमक है ममता की आंखों को अंधा बना रही थी, इसलिए ममता कांप रही थी, ठीक। तो फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर दो हो गए आपके, तो ये दोनों को आपका जीवन पर, इस जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और नंबर फर्स्ट नंबर और नंबर टू नंबर, ये दोनों की ये जो गद्यांश हैं आप अपनी कॉपी में, जो मित्रता जिस कॉपी में आपने लिखा है उस कॉपी में पहले आप जीवन परिचय लिखिएगा, फिर ये गद्यांश उतारिएगा। गद्यांश के बाद में ये दो दो बार क्वेश्चन मत उतारिएगा, बार बार नहीं उतारने हैं, आप इनको उतार लीजिएगा गद्यांश को, और उसके बाद में उपरोक्त गद्यांश पर आप लिख दीजिएगा संदर्भ, उपरोक्त गद्यांश का नहीं, लिखिए संदर्भ लिख दीजिए, उसके बाद व्याख्या लिख दीजिएगा, और थर्ड के ममता के पिता कौन थे आप ये क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद में इसका आंसर लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन के साथ में आंसर लिखेगा, दो दो बार क्वेश्चन आंसर नहीं लिखने हैं आपको, ठीक है। और ये सेकंड नंबर हो गया, तो सेकंड नंबर में गद्यांश का संदर्भ आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये पूरे लेसन का एक ही संदर्भ है, एक ही संदर्भ होता है क्योंकि एक सी लेसन से लिया गया है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और सा नंबर और दा नंबर, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक। तो आप पहले इतना लिखिएगा, फिर उसके बाद में हम आपको पढ़ाते हैं नेक्स्ट डे, ठीक।